बॉलीवुड के एक सीनियर कलाकार ने सुपरस्टार सलमान खान को धन्यवाद दिया है। इन्होंने सलमान के लिए कहा है कि सलमान के कारण हम जैसे लोगों का करियर बना है। अब सबसे बड़ी बात ये कि ये जो सीनियर कलाकार है, जो सलमान के आने से पहले ही इंडस्ट्री में काम कर रहे थे, उनका करियर सलमान ने कैसे बनाया। ये एक्टर और कोई नहीं बल्कि शरद सक्सेना हैं, जो पिछले कुछ दिनों में बहुत सारे खुलासे इंडस्ट्री को वो लेकर कर चुके हैं कि किस तरह से इंडस्ट्री में सीनियर एक्टर्स को लेकर जितने भी रोल्स होते हैं वो अमिताभ को ही जाते हैं और जो अमिताभ रिजेक्ट करते हैं वो उन्हें मिलता है। शरद सक्सेना ने ये भी खुलासा किया कि इंडस्ट्री में उनका करियर ख़त्म करने की कोशिश की, एक अफवाह फैलाई गई, रजा मुराद ने यह अफवाह फैलाई कि शरद सक्सेना तो अब साउथ की फिल्में करेंगे, बॉलीवुड की फिल्में नहीं करेंगे। शरद सक्सेना ने खुलासा ये भी किया कि उनकी अच्छी बॉडी थी जब वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में आए थे, लेकिन तब लोगों की सोच ऐसी थी कि जिसकी बॉडी अच्छी है उसको हेंचमैन के रूप में या फिर उसको फाइटर के रूप में ही फिल्मों में काम मिलता था। इसीलिए शरद सक्सेना ने अपने करियर के 30-35 साल तक फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ मार खाई है और डायलॉग्स के नाम पर यस बॉस नो बॉस इसी तरह के डायलॉग्स मिले हैं। शरद सक्सेना ने ये भी कहा कि हम पूरी दुनिया में वो इंडस्ट्री हैं जो सबसे ज़्यादा रंग के बारे में बात करती है। शरद सक्सेना ने एक रीसेंट इंटरव्यू में कहा कि पहले जहां आप मस्क्यूलर हैं तो आपको फाइटर का रोल दिया जाता था, वहीं अब मस्क्यूलर एक्टर्स जो हैं वो हीरो बन रहे हैं और ये ट्रेंड सलमान खान ने शुरू किया है। सलमान खान ने लोगों की सोच बदल दी, उन्होंने मस्क्यूलर को फैशनेबल बना दिया है और यही कारण है कि आज कोई भी अगर फिल्म इंडस्ट्री में हीरो बनना चाहता है तो वो सबसे पहले जिम जाकर बॉडी बनाता है और उसके बाद एक्टिंग की कोचिंग क्लासेस जाता है। शरद सक्सेना कहते हैं कि मैंने फिल्म इंडस्ट्री में उस टाइम में डेब्यू किया तब मस्क्यूलर लोगों को बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया जाता था और उनके लिए इंडस्ट्री में समय ख़राब था। यही कारण है कि मेरे ऊपर भी यही टैग लग गया और सालों तक मुझे इसी तरह के रोल्स ऑफर हुए। सलमान खान ने ही ट्रेंड चेंज किया है। वैसे आपको बता दें कि सलमान खान ने नो डाउट इंडस्ट्री में ट्रेंड चेंज किया है। वो खुद जब इंडस्ट्री में आए थे तो पतले दुबले थे और उन्हें भी उनकी बॉडी के लिए क्रिटिसाइज़ किया गया था कि ये क्या हीरो बनेगा। बाद में सलमान ने अपने आप को ऐसे ट्रांसफॉर्म किया कि जिस फिल्म में सलमान की शर्टलेस शॉट होने लगा वो फिल्म सुपर हिट होने लगी और थिएटर जो है वो तालियों से और हूटिंग से गूंज जाता था। लेकिन ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि सलमान से पहले भी इंडस्ट्री में और एक्टर्स हैं जिन्होंने अच्छी बॉडी के साथ अपने करियर की शुरुआत की थी। सनी देओल और संजय दत्त उनमें से एक है।